मैं अमित शर्मा भारत के आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सिग्नेट सीड्स कंपनी द्वारा आयोजित प्रोग्राम किसानों का हम सफ़र में। और किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको धान की पौध से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में बताया था कि किस तरह आप धान की पौध को तैयार करें जिससे आपकी पैदावार अच्छी आए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आगे की कुछ जानकारी के बारे में कि धान की रोपाई आप किस तरह करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धान की रोपाई के बारे में। तो किसान भाइयों, आप ये ध्यान रखें कि आपको प्रति वर्ग मीटर में 33 पौधे लगवाने हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक साइंटिफिक डाटा है जिसके तहत 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधा और 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी हम लोग रखते हैं। अगर आप इस तरह से एक खेत में एक वर्ग मीटर में देखेंगे कि 33 पौधे प्रति वर्ग मीटर आते हैं, और अभी जो हम अपने खेतों में लगाते हैं वह प्रति वर्ग मीटर 16-17 पौधे से ऊपर हम नहीं लगा पाते क्योंकि लेबर नहीं लगाती। तो आप ये देखेंगे कि जो 16-17 पौधे लगते हैं वो भी खेत में आप एक हफ्ते बाद जब देखने जाएंगे तो जगह जगह कुछ पौधे आपको टूटे मिलते हैं क्योंकि वो तिरछे पौधे लगते हैं, अंगूठे से लगा दबाव के कारण वो पौधे टूट जाते हैं, उन पर भी आप लोगों का ध्यान नहीं जाता। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जब आप पौध की रोपाई करते हैं तो ध्यान रखें पौधों को संख्या ज़्यादा रखें, और एक हफ्ते बाद आप देखें जगह जगह जहाँ पौधे आपको टूटे मिलते हैं, उखड़े मिलते हैं, वहाँ लेबर को पुनः लगाकर 7 के पौधों के कुछ कल्ले निकाल कर दोबारा पुनः रोपाई करा दें जिससे जो आपकी खाली जगह है वह दोबारा भर जाए। आप अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपकी पैदावार जो है पहले के वनस्पत और अच्छी आएगी। दूसरा, सबसे एक मेन बात यह है जो सभी किसान भाई हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं और सबका एक यही प्रश्न है कि हमें फसल में यूरिया कब कब डालना है। जी हाँ किसान भाइयों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें फसल में यूरिया कब कब डालना है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे यहाँ मूलभूत जो है तीन तरह की धान की किस्में हैं जिसको हम तीन कैटेगरी में रखते हैं, एक जल्दी पकने वाली, एक मध्यम अवधि में पकने वाली, एक लेट पकने वाली। अब जल्दी पकने वाली जो किस्में हैं जैसे सिग्नेट कंपनी का नकुल 52-75, दबंग 55, ये जल्दी पकने वाली किस्में हैं जो कि रोपाई के बाद 85 से 90 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो जो आलू वाले या सब्जी वाले किसान हैं वो इनको लगाकर फ़ायदा ले सकते हैं। और जो 85 से 90 दिन में पकने वाली फसल है रोपाई के बाद, इसमें आप जो यूरिया डालेंगे वह रोपाई के 14 दिन बाद पहला यूरिया और उसके 14 दिन बाद यानी कि रोपाई के टोटल 28 दिन बाद दूसरा यूरिया आप उसमें डालेंगे। दो बैग यूरिया तक आप एक एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी फसल में पौधे ज़्यादा लगाएँ, अधिक यूरिया का प्रयोग ना करें। अगर आप पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो आपको अधिक यूरिया नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि जो जगह है वो पौधे से ले लेंगे। नॉर्मली अभी क्या होता है कि जो आप दूर दूर पौधा लगाते हैं तो किसान को खाली जगह अच्छी नहीं लगती तो वो फिर यूरिया का प्रयोग करता है कि ज़्यादा फुटाव हो जाए या ज़्यादा कल्ले आ जाएँ। तो ज़्यादा यूरिया डालने से हमारी फसल को नुकसान भी होता है। तो किसान भाइयों, मैं यही कहना चाहूँगा कि यूरिया की मात्रा को सीमित रखें और पौधों की संख्या को बढ़ाएँ। जितने ज़्यादा पौधे आप खेत में लगा सकते हैं उतने लगाएँ। प्रति वर्ग मीटर 33 पौधे लगाने चाहिए, कोशिश करें 33 लगाएं। और दूसरी बात, अब बात आती है कि यूरिया कब कब डालना है। तो जैसा मैंने बताया कि जल्दी पकने वाली फसल में 14 से 28 दिन में आपको यूरिया पूरा करना है। इसके बाद आती है मध्यम अवधि में पकने वाली फसलें जैसे सिग्नेट कंपनी का राजा 44। जी हाँ किसान भाइयों, सिग्नेट कंपनी का राजा 44, बलवान 65, गंगा 54, और भी कई वैरायटीज हैं जैसे बुलंद है, बुलंद 50-50। तो जो भी 128-130 दिन में पकने वाली वैरायटी हैं सीड टू सीड, रोपाई के बाद 95 दिन में जो वैरायटी पक के तैयार हो जाती है उसे हम मध्यम अवधि में लेते हैं। उसमें जो यूरिया डालने का आपका समय है वह है पहला यूरिया रोपाई के बाद 18 दिन और दूसरा यूरिया उसके 18 दिन, यानी कि रोपाई के बाद टोटल 36 दिन में आपको यूरिया पूरा कर देना है। इसके बाद आती है लेट पकने वाली फसलें। तो लेट पकने वाली फसलों के अंदर जो कि रोपाई के बाद 105 दिन लेती हैं यानी टोटल 140 दिन तक लेती हैं, उनके अंदर आप जो यूरिया डालें वह रोपाई के बाद 21 दिन व 42 दिन पर आप उसको यूरिया डालें। तो कोशिश करें कि इसके अनुसार ही आप यूरिया का प्रयोग करें। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि ये तो बात आ गई यूरिया की कि यूरिया कितना कितना डालना है, पौधे हमें कितने लगाने हैं, और एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आप रोपाई कर दें तो रोपाई करने के 72 घंटे के अंदर अंदर आप उचित खरपतवार नाशक का प्रयोग करें, जैसे बूटा कलोर या फटीला कलोर का प्रयोग करें जिससे आपकी खरपतवार ना उग पाए। और किसी कारणवश अगर आप इन दवाओं का प्रयोग नहीं कर पाए हैं और आपका खरपतवार
पैदा हो गया है और 2-3 पत्ती का हो गया है, तब आप मार्केट में प्रचलित एक दवा है नोमिनो गोल्ड, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, जो ड्यूपोंट कंपनी का फटेरा या सिजेंटा कंपनी का वेटागो, आप इनका प्रयोग करें, ये आपकी फसल को सुंडी से बचाएंगे और इनका असर भी काफ़ी लंबा है। अब एक महत्वपूर्ण बात का आप ध्यान रखें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि जब फसल में फूल आने की अवस्था होती है, यानी कि जब फसल में फूल आना शुरू हो जाए, तब सुबह 8 बजे से और दोपहर 12 बजे तक आप कोशिश करें कि किसी भी दवा का छिड़काव ना करें, 12 बजे के बाद करें, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक पौधों में पॉलिनेशन होता है, परागण क्रिया प्रारंभ होती है। अगर आप इस दौरान किसी दवा का स्प्रे करते हैं तो चांसेस हैं कि उसमें दाने काले पड़ सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि हमेशा 12 फूल निकलने के बाद 12 बजे के बाद ही दवा का प्रयोग करें, और दवाई का प्रयोग हमेशा कोशिश करें फसल को देखकर करें। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए 10 तरह की दवाइयाँ मिलाकर ले आए, आपकी फसल में जो बीमारी है उसकी दवा डालें, कोशिश करें बीमारी आने से पहले ही एहतियातन आप दवा का प्रयोग करें ताकि वो बीमारी बिल्कुल ना पाए। अच्छा किसान भाइयों, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस टाइम दूधिया स्टेज होती है, फसल दाने में दूध बनता है, उस समय भी इसमें कई अटैक होते हैं, जैसे गंदी बग का अटैक होता है जो कि दाने का रस चूस लेता है, रात में ये ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो इसके लिए आप लेमडा का प्रयोग कर सकते हैं। अपने नज़दीकी किसी दवा की अच्छी दुकान पर जाएँ और जो भी दवा लें वह अच्छी कंपनी की ब्रांडेड लें, सस्ते के चक्कर में हल्की दवा का प्रयोग ना करें। और किसान भाइयों, सीग्रेट सीड्स कंपनी ने मुहिम शुरू करी है कि आप अभी जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फसलों की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी फसल में कोई बीमारी है तो आप अपनी फसल की फ़ोटो खींचें और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे इन नंबर पर भेज दें, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी फसल से संबंधित सॉल्यूशन किया जाएगा, उससे संबंधित जो भी दवा होंगी आपको बताई जाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो रही बात कि फूल आने की अवस्था में आपको स्प्रे कब कब करना है। किसान भाइयों, फसल में एक समस्या देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं सीड ब्लाइट। जी हाँ किसान भाइयों, सीड ब्लाइट से काफ़ी फसल को नुकसान पहुंचता है। आप देखेंगे कि सीड ब्लाइट जो हमारी मेड़ होती है डोल के चारों तरफ किनारे किनारे में, हमारे जो धान की तना है उस पर आँख आँख सी बन जाती है, काले काले धब्बे से हो जाते हैं, इसे हम सीड ब्लाइट बोलते हैं। इसके लिए आप हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं या और भी अच्छी कंपनी की ब्रांडेड दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी जो मेड है उस पर घास ना हो। यहाँ किसान भाइयों, आप अगर अपनी मेड को, अपनी डॉल को घासों से मुक्त रखेंगे तो आपकी फसल में बीमारी आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, ये भी एक विशेष ध्यान देने वाली बात है। और मैं आप सभी से ये कहूँगा कि अपनी फसल को देख के उचित दवा का प्रयोग करें, फसल को देख कर दवा डालें, अन्यथा अंधाधुंध दवाई डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करें आप कम खर्चे में अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं, उसके लिए सिग्नेट सीड अग्रसर है किसानों की सेवा करने के लिए। हम दिन रात यही प्रयास करते हैं कि किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और जो भी माध्यम किसानों तक पहुंचना है, गांव में मीटिंग्स करके आप तक पहुंचा जाए, आप तक कृषि की तकनीकी वैज्ञानिक जानकारी दी जाए, जिससे आपकी फसल अच्छी हो और कम लागत में आप एक अच्छी पैदावार ले सकें। किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारे चैनल सिग्नेट सीड्स और एग्री बॉय अमित शर्मा को सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों, अगर आपको किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और मैं सभी से यह गुजारिश करूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह हमारी वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर करें, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर इसमें कुछ और सुझाव चाहते हैं और कुछ इसके अंदर बेहतरी चाहते हैं तो उसके लिए हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद।